देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद से एक चर्चा बहुत तेज है कि जब बहुमत एनडीए को मिल रहा है तो एनडीए से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। ये सवाल जस का तस बना हुआ है। हालांकि कई बार सत्ताधारी दल बीजेपी इस सवाल पर अपना पक्ष रख चुका है। आम धारणा है कि अगर एनडीए को बहुमत मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परिणाम घोषित होने के पहले दम पर दम हो रही एनडीए की बैठकें तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रही हैं। तो अब सवाल बनता है कि एनडीए के अंदर खाने में आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि जब से तमाम मीडिया चैनल्स और सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आए हैं, तब से एनडीए के हर नेता नेत्री के मन से ये भय तो लगभग खत्म हो गया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब एनडीए की होने वाली बैठकों में प्रधानमंत्री के चेहरे का चुनाव किया जा रहा होगा, ऐसा राजनीतिक कयास है। वक्त बहुत कम बचा है, कल परिणाम घोषित किए जाने हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एनडीए के नेताओं नेत्रियों में खलबली तेज है। हर किसी को लग रहा है कि क्या पता उसको मौका मिल जाए, क्योंकि एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी की नीति तो कम से कम यही कहती है। बीजेपी की नीति के जीते जागते उदाहरण आज हमारे सामने हैं। किसे खबर थी कि बीते मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा मोहन यादव होंगे। यही नहीं, किसी को ये भी नहीं मालूम था कि बीजेपी के राजस्थान जीतने पर मुख्यमंत्री का चेहरा भजन लाल शर्मा होंगे। ये तो शायद किसी ने कयास भी नहीं लगाया होगा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार को बर्खास्त करके राज्य की बागडोर नायब सिंह सैनी के हाथों में सौंप दी जाएगी। तो क्या कल अगर एनडीए को वाकई में बहुमत मिलता है तब प्रधानमंत्री का चेहरा इस बार बदलने वाला है? और अगर बदलने वाला भी है तो नरेंद्र मोदी के अलावा और दूसरा कौन? ये सवाल बहुत बड़ा है, जिसका जवाब या तो बीजेपी का हाईकमान जानता है या तो राष्ट्रीय राजनीति के मठाधीश। बीजेपी के हाईकमान का तो नहीं पता, हाँ इतना जरूर है कि राष्ट्रीय राजनीति के मठाधीशों का ये मानना है कि एनडीए को लीड करने वाली बीजेपी अगर प्रधानमंत्री के चेहरे से नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करती है तो देश का अगला प्रधानमंत्री तत्कालीन यूपी सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ होंगे। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जबकि अमित शाह कई बार ये बात कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए अगर फिर सत्ता में वापसी करता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। देखिए, इस देश की जनता, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है। बस कुछ घंटों का इंतजार है, जिसके बाद ये देश और दुनिया के सामने होगा कि हिंदुस्तान की कुर्सी कौन संभालेगा। माहौल लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने पूरी तरह एनडीए के लिए बना दिया है। लगभग हर एक एग्जिट पोल एनडीए के खाते में 300 प्लस सीटें बता रहा है, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी ब्लॉक इंडिया के खाते में 295 सीटें जाने का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस, 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है, जो जनता ने सीधा
हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। कांग्रेस के सर्वे सर्वा और भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी मानो ताल ठोक कर ये दावा कर रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। ऐसा कहने के पीछे राहुल गांधी बार बार बीजेपी की ही नीति का हवाला दे रहे हैं। खैर, दावे और एग्जिट पोल्स अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन सरकार आपका मत बनाएगा। प्रधानमंत्री कौन होगा कल क्लियर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।